नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज खबर प्रयागराज से। पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज द्वारा चलाए जा रहे अभियान अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में पुलिस अधीक्षक गंगापार व पुलिस अधीक्षक अपराध के निर्देशन में क्षेत्र अधिकारी सौरभ महोदया के पर्यवेक्षण में थाना नवाबगंज SOG टीम गंगापार की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगढ़ साकिर पुत्र फजले रव निवासी परेवा थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़, रहमान पुत्र छोटे उर्फ रहमतुल्लाह निवासी परेवा थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़, चंद्रशेखर पटेल पुत्र स्वर्गीय राजकरण सिंह निवासी हरिहर थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज को थाना स्थानीय पर पंजीकरण मुकदमा अपराध संख्या 1114/20 धारा 457-380 के तहत असलह कारतूस एवं नाजायज बम के साथ गिरफ्तार किया गया। विदित हो कि दिनांक 9 दिसंबर 2020 की रात्रि में थाना क्षेत्र के लाल गोपालगंज कस्बा अंतर्गत स्थित सुशीला गन हाउस से अज्ञात चोरों द्वारा दुकान के दरवाजे को तोड़कर दुकान में घुसकर 5 रिवॉल्वर, 32 बोर, 3 अदद DBBL गन, 12 बोर व 1 अदद राइफल, 315 बोर व विभिन्न बोर के 695 कारतूस चोरी कर लिए गए थे। इसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या पंजीकृत किया गया था। इसी संबंध में पुलिस अधीक्षक का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जनपद प्रयागराज के अंतर्गत थाना नवाबगंज तथा क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए दिसंबर माह में सुशीला गन हाउस नवाबगंज में हुई हथियारों की चोरी का सफल अनावरण किया है। इस संदर्भ में पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम हैं साकिर, रहमान और चंद्रशेखर। इनके पास से कुल 5 हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें 1 राइफल, 3 रिवॉल्वर और 1 डबल बैरल हथियार मिला है। इसके अलावा 107 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इन 3 व्यक्तियों का पहले का भी आपराधिक इतिहास रहा है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकरण में 1 व्यक्ति मोहम्मद रसीद की पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस प्रकार इस प्रकरण में कुल 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी और शेष है, जिनके पीछे पुलिस टीमें निरंतर लगी हुई हैं। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज मंडल क्राइम ब्यूरो प्रमुख सतीश चंद गुप्ता की रिपोर्ट।